जिन बच्चों का दिमाग कमजोर है ना, वो एक तो अनुलोम विलोम करना, ये प्राणायाम करने से दिमाग तेज हो जाएगा। फिर ज्यादा ही कमजोर है तो मेधावटी ले लेना। क्या ले लेना? मेधावटी। अब जैसे फेफड़ा कमजोर है, किसी किसी का फेफड़ा कमजोर है, सर्दी, उधरस, काफ, नजला, छी छी, हाँ, और फिर खस खांसी होती रहती है, तो एक तो ये प्राणायाम करना, ये सारे प्राणायाम ये सर्दी उधरस कफ को दूर करते हैं। बच्चे का शरीर कैसा होना चाहिए? जैसे श्वेता और आरती का है, तुम वो वृश्चिकासन करो, हाथ रख के पूर्ण वृश्चिकासन, पीछे से पैर लाके माथे के ऊपर, हाँ, प्रसृत हस्त पूर्ण वृश्चिकासन, देखो ऐसे थयो तमार्थी था, देखो ऐसे शरीर मोड़ दिया, पता ही नहीं लगा इसकी कमर दिखती है। फिर वापस 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 आ जाओ, छोड़ दो, ये तो इधर से हो गया है ना, फिर पीछे भी टिका देती है सिर, लेट जा लेट जा, हाँ, और पैर पीछे सीधे रख और ये सिर यहाँ अड़ा, हाँ, विपरीत सलभासन, ये जो ये देखो कितना इसका फ्लेक्सिबल बॉडी, और पीछे आपको तो छोड़ो 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 छोड़ो, और खड़े हो जाओ, और आगे झुक करके, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ, पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, ऐसे आगे झुक गए तो देखो ऐसे एकदम ऐसे ये मिला दिया, फिर पीछे झुक जाओ, पीछे डिंबासन करो, चक्रासन करके डिंबासन कर दो, हाँ, यस, ये लो, हाँ, तो किधर भी मोड़ लो इसको, तभी नई नई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बहुत, छोड़ो 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 छोड़ो, और वो करो उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन, ये जोरदार तालियां, ऐसे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वापस आ जाओ बेटो ऐसे, हा? तो ये देखो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे जो है चौहान साहब ने इनको तैयार किया है, इधर आओ चौहान साहब, अरविंद भाई, नटवर भाई, भावेंद्र सिंह भाई, आओ बता, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां, कितना अच्छा तैयार किया बच्चों को, हा? और इनको भी च्यवनप्राश दो भाई, ये भी और तगड़े हो जाएंगे, च्यवनप्राश साहब लो ऐसे, बहुत अच्छा, सबने बच्चों को तैयार किया है, जय हो, हा? और ये सब बच्चों का, ये तो सबसे छोटी है ना दोनों, हा? एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, और सुबह सुबह माता पिता को, गुरुओं को प्रणाम करते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, और ऐसे ही सब बच्चों को योगाभ्यास करना है, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान, चरित्रवान बनेंगे, ये बड़े वाले भी तगड़े हैं दोनों बच्चे, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, हमारे तरुण पटेल और पिंकेश, बहुत आशीर्वाद बेटा, हाँ, तो ऐसे ही सबको योग करना है ना। अब लास्ट बात कह करके अंधेरू थी गयु से, अपना देश में अपना अंधेरू थी गयु से, दुनिया में करीब 200 देश हैं, कितने देश हैं दुनिया में, 200 करीब देश हैं, उसमें 2-3 देश ही भारत से आगे हैं खाली, जापान, चीन और अमेरिका, क्यों, वहां देशभक्ति और ईमानदारी है, जापान तो अपने गुजरात से भी छोटा है, लेकिन
पूरी दुनिया में शान के साथ खड़ा है। वहां खाने के लिए चावल दाल शाक भाजी फल आदि नहीं होते पूरे, जो फैक्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल पूरा नहीं है वहां, फिर भी आगे क्यों? मेहनत मेहनत मेहनत। सब बोलेंगे बड़ी सोच, क्या बोले बोलो? बड़ी कड़ी मेहनत, कड़ी पक्का इरादा, तीन चीज, बड़ी कड़ी पक्का, ये तीन चीजें जिंदगी में रहेंगी तो आपसे वादा है आप कभी असफल। तीन चीजें रखना, बड़ा सोचना, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा, बड़े सपने लो। और सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, लगे रहते हैं लगन से, ऐसा सपना। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, मेहनत करो, काम करो, काम करो, सुबह से शाम तक। सुबह एक बार उठकर के योगा अभ्यास की, एक्सरसाइज की, फिर पढ़ाई में लग गए, बाकी और कुछ नजर नहीं आए। कभी टीवी देखी, कभी सीरियल देखा, कभी कार्टून देखा, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, ना, केवल अपना लक्ष्य टारगेट, मुझे बनना है दुनिया में नंबर वन, हेल्थ और फिटनेस में नंबर, और नॉलेज में भी नंबर, कैरेक्टर में नंबर, और टीवी देखने में जीरो। तो हेल्थ एंड फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में बनना है नंबर, और भारत को भी बनाना है नंबर, ऐसा देश बनाना है, ऐसा जोश जुनून। तो क्या बोला? बड़ी सोच, कड़ी पक्का, तो बदलेगा जीवन और बदलेगा देश। गुजरात को भी बदलेंगे, देश को भी बदलेंगे। कौन बदलेंगे? हम बदलेंगे, ये नेता बदलेंगे।